नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। जबलपुर जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजनीति अपने चरम पर है और चुनाव प्रचार भी अपने अंतिम चरण पर है। सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा कांग्रेस के अलावा भी निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। ऐसे ही बरगी विधानसभा क्षेत्र में एक निर्दलीय प्रत्याशी है, जयकांत सोबरन सिंह। बताया जा रहा है कि बरगी विधानसभा क्षेत्र में जयकांत सोबरन सिंह बिगाड़ सकते हैं कांग्रेस और भाजपा का चुनावी गणित। बरगी विधानसभा चुनाव में अब निर्दलीय प्रत्याशी जयकांत सोबरन सिंह के काफिले में लोगों का हुजूम लगातार बढ़ते ही जा रहा है, जिससे भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों की धड़कन और मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। हमारे रिपोर्टर ने जयकांत सोबरन सिंह और उनके समर्थकों से चुनाव को लेकर सीधी बात की है। क्या कहते हैं जयकांत सोबरन सिंह और उनके समर्थक, देखिए पुलिस वाला की एक रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमारे बीच में ठाकुर सोबरन सिंह, जो कि मध्य प्रदेश के जनजे के हितेशी गरीबों के दाता, एक ऐसा मसीहा, एक ऐसा नाम जिसका पूरा मध्य प्रदेश जानता है, सांसद से लेकर मंत्री तक बाबूजी के नाम से सभी उद्भूत रहते और उनकी प्रशंसा करते थे। ये ऐसी क्या मजबूरी थी, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी? भगवंत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भगवंत सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फर्जी की मजबूरी है, फर्जी की मजबूरी है, फर्जी की मजबूरी है, फर्जी की मजबूरी है, बाबूजी के लाल को। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी दल के नेता, सभी दल का सदस्य, हर प्रकार का वर्ग का आदमी आपके साथ है और नारे लगा रहे हैं, बाबूजी के लाल को पहुंचा दो भोपाल को। जब कांग्रेस में आप थे और आपने संजय यादव को जिताने का काम किया, ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको नगरी से फार्म भरना पड़ा? आज हमने विगत 10 वर्षों से भाजपा की विधायक के अत्याचार और अन्याय देखे थे। जो जीवन दायिनी माँ नर्मदा है, उस नर्मदा को छलनी करने का ये काम कर रहे थे। गरीब मजदूर आदिवासियों का शोषण करने का ये काम कर रहे थे, इसलिए उनके खिलाफ हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ी। लेकिन हमने देखा, हमने जिनका पिछले पंचवर्षीय में साथ देने का काम किया, उनने भी उन भाजपा के पूर्व विधायक के साथ में मिलकर वही कार्य करने का काम किया। इसलिए हमें जिन किसानों के पक्ष में, मजदूरों के पक्ष में, आज दलितों के, चाहे आदिवासियों हो, चाहे मध्यम वर्गीय परिवार हो, इन लोगों के खिलाफ हमें लड़ाई में उतरना पड़ा। जैसा कि आप जनता के पास जा रहे हैं और जो आपको जानकारी मिलती है कि बाबूजी के बेटे हमारे पास आ रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता का? हाँ, आज भी हमारे पिता के किए हुए कार उपकार ये जनता जनार्दन भूल नहीं रही है। आज हम क्षेत्र में जाते हैं, हम घर से निकलते हैं तो हम सोचते हैं कहाँ जाएंगे, लेकिन हम जनता जनार्दन के बीच में जब पहुँचते हैं, उनका स्नेह, उनके दर्द, उनके आंसू हमें वो शक्ति देती है कि हाँ, ये मजदूर, ये रोते हुए लोग, ये बेबस लोग, इनकी शक्ति हम बनने का काम करेंगे। वो शक्ति एनर्जी हमें उनसे मिलने का काम। जनता की मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, बरगी की मजबूरी है, जनता की मजबूरी है, बाबूजी के लाल को, बाबूजी के लाल को, बाबूजी के लाल को, हो जाए सिकंदर को, धुरंधर को न सिकंदर को, धुरंधर को न सिकंदर को, सिकंदर को, बाबूजी के लाल को, पहुंचा दो भोपाल को, बाबूजी के लाल को, पहुंचा दो भोपाल को, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया के पास संदीप पिलवा। जैसा कि हमने देखा, जब पहले दिन निकले थे तो काफिला कुछ कम था,
जैसे निरंतर चुनाव में गति आ रही है, जैसे आप देखा 10 से 15 कोर भी है और 1000-1200 आदमी के जुर्म लग रहा है, तो रिस्पॉन्स बराबर मिल रहा, लोग आते जा रहे हैं, काफला बढ़ता जा रहा है। बहुत अच्छे, संदीप भाई दो बातों में उत्तर चाहता हूँ आपका। जी बताइए। जो ठाकुर जयकांत सिंह है जी, जैसे बाबूजी का नाम एक देवता है वो जी, उनका कोई बात ही नहीं है बात करने की और जवाब ही नहीं है, तो आज आप जो जयकांत सिंह के साथ लगे हैं या उनका साथ देने का काम कर रहे हैं, कंधा से कंधा मिला रहे हैं, और कितने जो बरगी विधानसभा है तो कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? रिस्पॉन्स ऐसा मिल रहा है, पत्रकार महोदय ये बताइए, भाई साहब तो खड़े नहीं हो रहे थे, जब लोगों की तकलीफ देखी और जनता जब इनके घर आई, जब भाई भाई साहब ने मन बनाया, दोनों विधायकों का कार्यकाल देखा, दोनों मिलकर काम करते हैं, दोनों साथ काम करते हैं, एक मानरमदा की कसम खाता है और दूसरा किसानों को ठगने का काम करता है। अच्छा, इसलिए भैया की मजबूरी थी कि जो व्यक्ति जनता का हित कर सकता है, जो जनता का दर्द समझ सकता है, ये किसान है तो किसान का दर्द जानते हैं, ये क्षेत्र के हैं तो मजदूर का दर्द जानते हैं और क्षेत्र का दर्द जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया जो अपन जनता के बीच जा रहे हैं, माताओं बहने हैं, कितना आशीर्वाद देने भैया को? भाई आशीर्वाद तो ऐसा है कि आशीर्वाद बहुत पुरानी बात हो गई, इस घर से जनता का लगाव रहा है, बाबू सोवरन सिंह अपने दौर के जाने माने जावा जो क्रांतिकारी सदस्य रहे, साथी रहे, घर घर के साथी रहे, गरीबों को दिल में बसाया है, गरीबों ने उन्हें दिल में बसाया है। बात यहाँ खत्म नहीं हो रही है, बात यहाँ से शुरू हो रही है कि आज भाजपा के जो शासन काल है, देखो कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, आप देख रहे हैं मणिपुर से लेकर के गुजरात, गुजरात से लेकर यूपी तक महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, भ्रष्टा चटाया जा रहा है, जूतों की माला पहनाई जा रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये भाजपा का कार्यकाल है। अगर भाजपा की बात करें तो हमने वक्त है बदलाव का, आपको मालूम होगा पत्रकार महोदय है, हमने इन्हें बदलने का काम किया था कि नहीं किया था, हमने उन्हें जब उन्हें बदलने का काम किया तो हमने वक्त बदलाव का ना बदला, लेकिन वो कांग्रेस ही हमारे यहाँ से बदले कि हमने जिनको बदला था वो उनकी गोद में जाकर बैठ गए।